ये मेरे वाल साहब ने शुरू किया था, तकरीबन 45 साल हो गए। 3 रुपए का कबाब था, 1 रुपए के 4 नान थे, 4 रुपए में खाना खा लेता था बंदा, फुल पेट भर जाता था। तो माशाल्लाह बड़े बड़े दूरों लोग आते हैं खान वास्ते, MPA MNA बड़े बड़े अफसर आते हैं। हम अमी ने हमें भाईचारे से दूर किया, हमें मुकाबला और कंपटीशन का रुझान सिखाया है। यहाँ अब दोस्त दोस्त नहीं रहा बल्कि कंपटीटर है, और भाई भाई तो बकायदा बरादराने यूसुफ की अमली तस्वीर बन के सामने आ जाते हैं। मगर मैं दो ऐसे भाइयों को जानता हूँ जो अकूवत, मोहब्बत और भाईचारे की बेउमदा मिसाल है। बाप ने एक कारोबार शुरू किया और भाइयों ने उसमें शिरकत की, और अब भाई बिल्कुल चंद गज के फासले पे दो भाई इकट्ठे खड़े एक ही सामान बेच रहे हैं, और एक ही किचन में वो सारा सामान तैयार होता है और फिर वो स्प्लिट करके अपने अपने अड्डे पे, रेड़ी पे या होटल पे ले आते हैं। जायका तो उनका जैसा है सो है, लेकिन उनका ज़िंदगी का ये पहलू मुझे बहुत अच्छा लगा है कि दोनों भाई चंद गज के फासले पर बड़े ही इत्तफाक से खड़े एक ही चीज़ बेच रहे हैं, और मज़े की बात है दोनों कामयाब, और दोनों ही बर वक्त शाम को अपना सौदा सलफ ख़त्म करके खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। आइए आज इनको देखते हैं और इनको टेस्ट भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि पता करें कि इनकी इस मोहब्बत के अलावा रेसिपी क्या है। बड़ा म्यार है, साइज चेक करोगे तो पूरे लाहौर च नहीं लगने। अच्छा। रायता, सलाद, चटनी, पुदीने की चटनी, 3-4 किस्म चटनिया ने इन्हें, तो फेमस चटनियाँ ही लोग बहुत दूरों खान आते हैं। अच्छा। अनारदाना, पुदीना, इमली पा के बनाई दी है। अच्छा। पुदीने की चटनी टिक्की बनती कहती है, ये दाल चना होती है, दाल माश होती है, ये कहें ना लाइट जहाँ चिकन होंगे जी, तो काली मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दाल रात भजोई दी है सवेरे मुंडे 7 बजे पूरे रेडी करना होता समान। अच्छा, तो पकती कितनी देर दाल? यह 2 घंटे ही पक जाता। 2 घंटे सारा बन जाता, फिर पीस दो? फिर मशीन ही मशीन के पाई जाते हैं, तो पेस्ट बन जाता, पेस्ट बना के इतने ले आई जाने। सुबह स्टार्ट हो जाता, हम सुबह 6 बजे उठ जाते और सलाद वगैरह काटते हैं, आके फिर इधर प्रोसीजर जो शुरू होता है तवे का, फ्रेश गरम गरम उधर दी है, वो कस्टमर को पसंद करता है। सिंपल 50 रुपये का है, जो 3 रुपये का होता था कभी, फ्राई जो 5 रुपये की होती थी वो अब 70 रुपये की है, अंडा टिक्की जो कभी 12 रुपये की होती थी वो आज 100 रुपये की है। प्री कुक्ड दाल चना, दाल माश और चिकन की पेस्ट को सबसे पहले घी डालकर तवे पे हल्का फ्राई किया जाता है। कटी हुई सब्ज मिर्च डाली जाती है, अनारदाना, इमली, पुदीना और धनिया की चटनी का इजाफा किया जाता है,
और ख़ास सीक्रेट मसाला जार डाले जाते हैं। मज़ीद घी का इजाफा किया जाता है और नान ऊपर डालकर 5 से 7 मिनट का दम लगा दिया जाता है। इस अमल से नान नरम गरम हो जाते हैं और इनको मसाला जात की दफ भी चढ़ जाती है, जिससे वो मज़ेदार हो जाते हैं। दम से पेस्ट खूब गर्म हो जाती है और पक जाती है। अब दम हटाकर घी डाला जाता है और खूब बुनाई होती है। इतनी बुनाई होती है कि इसका रंग ब्राउन हो जाता है। लीजिए, अब फ्राई टिक्की तैयार है। इनका पार्सल का भी खूब काम। अब आते हैं इनकी लोकेशन की तरफ। तो इनका पहला अड्डा फिरोजपुर रोड पर कैंप जेल के सामने पीएमए प्लाजा के बाहर। ये मॉडल फूड स्टॉल पंजाब फूड अथॉरिटी हकूमत पंजाब ने इनको गिफ्ट किया है, यानी फ्री दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। दूसरा अड्डा चंद गज के फासले पे LOS स्टॉप पे, जहां अब रेस्क्यू 1122 का ऑफिस है, उसकी दीवार के साथ। टिक्कियां जो है ना दाल की हैं, इसमें कीमे का कोई काम नहीं है। दाल और मसालों से बना के उबाल के पका के ये लाता है और यहां 3 किस्म की ये इसकी डिशेस तैयार करते हैं। सिंपल फ्राई टिक्की मिल जाती है आपको, और आपको फुल फ्राई मिलेगी और अंडा टिक्की भी मिल जाएगी। तो ये तीनों वैरायटियां हैं, 50, 70 और 100 इसका रेट है। बहुत कमाल की जगह है, मैं हमेशा इसको एंजॉय करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी मज़ेदार ठिकाने पे नए जायके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।